मित्रों, आज फिर आप सभी का विधि विधान चैनल में स्वागत है। जय गुरु महाराज की, जय बाबा जी की। बाबा जी की अद्भुत अलौकिक और सत्य घटनाओं पर चर्चा की जाती है कि बाबा जी हमारे अपने बाबा जी कैसे हैं। थे शब्द का उपयोग नहीं करना। सभी भक्तों से निवेदन है, आज भी बाबा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, रहेंगे और आगे भी सभी भक्तों को उनकी कृपा का लाभ मिलता रहेगा। इसी निवेदन के साथ बाबा जी को प्रणाम करते हैं। जय गुरु महाराज। बाबा जी महाराज की जय। एक सत्य घटना आपको फिर शेयर करते हैं, वह यह है कि एक बार कुछ भक्त लोग बाबा जी के साथ गंगा जी में नौका विहार कर रहे थे। बीच गंगा जी में बाबा जी बोले कि आज भी गंगा मैया में दूध की धार बहती है। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर कुछ बातें दूसरी चलने लगी। उसी बीच बाबा जी बोले एक भक्त से, जाओ एक लोटे में जल भर लो। लोटे में जल भरा, किनारे पे आए। बाबा जी बोले कि इसको कपड़े से ढक देना। ढक दिया। फिर कुछ देर बाद बोले कि अभी सभी को गंगा जल अमृत के रूप में सभी को प्रदान कर दिया जाए। जैसे ही कपड़ा हटाया तो देखा लोटे में जल की जगह दूध था। तो ऐसे हमारे बाबा जी हैं। वह चलते फिरते अपनी जो भी बात बताना चाहते वो बता देते थे। इसी प्रकार एक सत्य घटना वृंदावन की है। उस समय वृंदावन में बाबा जी के समाधिस्थ होने के बाद सिर्फ चबूतरा बना था और मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था उसी समय। और सुबह शाम पूजन आरती उस चबूतरे पर ही होती रहती थी। उसी समय हेमदा की पत्नी नन्नी बाई, वह भी अलग से पूजन अर्चना करती थी। एक दिन वह पूजा करने के लिए आई। जैसे ही उन्हें रोली चंदन अक्षत लगाकर चबूतरे पे पूजन करना शुरू करी तो सामने बाबा जी प्रत्यक्ष खड़े दिखाई दे गए। उनको आश्चर्यचकित भाव विहोर होकर भावावेश में आकर उन्होंने उस रोली से चबूतरे पर राम राम लिख दिया और बस फिर थोड़ी देर में बाबा जी वहाँ से अदृश्य हो गए। उन्होंने श्री माँ को यह घटना सुनाई। तो बाबा जी इस प्रकार आज भी वो हम लोगों के बीच में हैं। अपनी बात की पुष्टि दर्शन देकर कर देते हैं। ऐसे ही हमारे बाबा जी हैं। तो सबसे निवेदन है कि वो बाबा जी के विषय में थे शब्द का उपयोग ना करें। वह आज भी हैं और सदा रहेंगे। सब पर, सब भक्तों पर उनकी कृपा बरसती रहे, ऐसा ही हमारा निवेदन है बाबा जी से। जय गुरु महाराज।